Welcome to Kaushalam. My name is Vartika Shah. I am your tutor for MS Excel program. So let's move to session 6. देखते हैं कि इस session में हम क्या करने वाले हैं. इस session को हमने basically dedicated किया है charts पे. सारा काम हम charts पे करने वाले हैं. Charts का chart क्या होता है basically? हमने अभी जो data बनाया वो सारा data हमने बनाया एक table के form में. Right? अब उस table के form को हमें कुछ पता करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसको read करना पड़ेगा. पर हम चाहते हैं कि वो हमें विजुलाइज हो जाए, दिखाई दे जाए कि जैसे कि हमारे रिजल्ट है तो रिजल्ट किस तरीके से बढ़ रहा है, कम हो रहा है, कितने स्टूडेंट्स पास हुए, कितने स्टूडेंट्स फेल हुए. राइट? तो कोई एक विजुलाइज टूल हो, कोई एक विजुलाइजेशन के लिए हमारे पास मेथड हो कि हम उस चीज को देख सकें, देख के समझ आ जाए कि हमें यहाँ पे इस तरीके का काम हो रहा है. उसको हम बोलते हैं चार्ट. ठीक है? तो हम इस क्लास में, इस सेशन में ये देखेंगे कि हम चार्ट को किस तरीके से इंसर्ट कर रहे हैं हमारे डेटा के ऊपर. हमें बहुत सारे रिकमेंडेशन मिलेंगे एक्सेल के थ्रू. उसमें से जो भी हमारे काम का रिकमेंडेशन है उसको हम यूज़ कर लेंगे और हम चार्ट बना लेंगे. इसके बाद हमारे पास चार्ट के बहुत सारे एलिमेंट्स हैं. अब वो एलिमेंट्स क्या हैं? आपका जो चार्ट है, सपोज हम एक सिंपल चार्ट की बात कर रहे हैं जिसमें कि एक एक्सेस है वर्टिकल, एक एक्सेस है हॉरिजेंटल. अब उन वर्टिकल एक्सिस पे हम क्या चीज़ें ले रहे हैं, हॉरिजेंटल एक्सिस पे क्या चीज़ें ले रहे हैं, उसके लिए हमने नेम्स प्रोवाइड कर रखे हैं. उसको हम बोलते हैं एक्सिस. राइट? एक्सिस के नेम्स हैं. अब हमें एक्सिस के नेम डिस्प्ले करने हैं या नहीं करने, हमारी चॉइस है. करना चाहेंगे करेंगे, नहीं करना चाहेंगे नहीं करेंगे. इसी तरीके से एक चीज़ होती है लेजेंड. लेजेंड क्या होता है आपका? हम चार्ट में काफ़ी सारे कलर्स लेंगे तो अब कौन सा कलर किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है उसको हम बोलेंगे लेजेंड. ठीक है? तो अब हम उसको लेना चाहते हैं, डिस्प्ले कराना चाहते हैं या नहीं कराना चाहते हैं, आ चॉइस. ये भी क्या है? एक चार्ट एलिमेंट. इस तरीके से हमारे चार्ट के बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनको हम जब इम्प्लीमेंट करेंगे तब देखेंगे किस तरीके से हम उन्हें कस्टमाइज कर रहे हैं. उनको यूज़ करना है यूज़ करेंगे, नहीं करना है नहीं करेंगे, हाइड कर देंगे. ठीक है? नेक्स्ट है आपका हम क्रिएटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग कस्टम चार्ट टेम्पलेट. क्या करेंगे? हमने चार्ट बना लिए, कुछ हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हमने चार्ट बना लिए. उसमें हमने बोल दिया कि लेजेंड भी डालना है, एक्सिस भी डालना है, उसमें हमें उसके लेबल्स भी डालने हैं कि कितनी वैल्यूज़ है क्या है, हमने टेबल भी ऐड करना चाहते हैं. बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम चाहते हैं इस तरीके से ऐड करना चाहते हैं और हम इस चीज़ को आगे भी यूज़ करेंगे. टेम्पलेट्स आपको पता है क्या होता है, राइट? तो हम इसको आगे भी यूज़ करना चाहते हैं. तो टेम्पलेट में चार्ट का टेम्पलेट बनाएंगे, स्टोर कर लेंगे. जब भी हमारे पास डेटा आएगा सिंपली उस टेम्पलेट को फेच करेंगे, रिजल्ट आ जाएगा. रिजल्ट क्या आएगा? चार्ट. चार्ट बन के आ जाएगा हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से. कुछ अलग से नहीं करने की ज़रूरत है. कॉल किया उस टेम्पलेट को, हमारा काम कंप्लीट. एडिंग एंड रिमूविंग डेटा फ्रॉम चार्ट. चार्ट बन गया, हमारा डेटा है. अब उस डेटा में कुछ अपडेशन किया हमने, कुछ डेटा को रिमूव किया, कुछ डेटा को ऐड किया, तो वो चार्ट में अपने आप तो रिफ्लेक्ट नहीं होगा, हमें उसको रिफ्लेक्ट कराना पड़ेगा. हमने कुछ डेटा अपडेट किया, चार्ट में वो रिफ्लेक्ट हो जाए. हमने ऐड किया, चार्ट में एक और वैल्यू ऐड हो जाए. रिमूव किया, चार्ट में से वो वैल्यू रिमूव हो जाए. तो हम देखेंगे कि किस तरीके से हम इस काम को कर सकते हैं. नेक्स्ट हम देखेंगे स्पार्कलाइन. स्पार्कलाइन क्या होता है? मुझे नहीं लगता आपने पहले सुना होगा वर्ड. इट्स अ वेरी न्यू थिंग. स्पार्कलाइन क्या होता है? हमने अभी चार्ट बनाए. चार्ट हमने कैसे बनाए? एक पूरा एक एरिया यूज़ किया उस चार्ट को बनाने के लिए. अब हम क्या कर रहे हैं? हमारे पास कुछ डेटा है, स्टैटिक्स हैं उसके, कुछ भी उसके कुछ वैल्यूज़ हैं. उन वैल्यूज़ को यूज़ करके हम क्या कर रहे हैं? एक सेल में चार्ट बना दे रहे हैं. हमारे पास रिजल्ट है, 10 सब्जेक्ट्स के रिजल्ट हैं या फिर 10 स्टूडेंट्स के रिजल्ट हैं. उन 10 स्टूडेंट्स का जो रिजल्ट है उसको हमने एक सेल में एक छोटा सा चार्ट बना दिया. ठीक है? अब उस रिजल्ट को हम देखेंगे, हमें पता चल जाएगा कि ये स्टूडेंट्स जो हैं सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं, ये स्टूडेंट जो है उसके मिनिमम मार्क्स हैं. इजीली कर सकते हैं ये काम. हम प्रैक्टिकली देखेंगे. एक सेल में चार्ट को अगर हम लिख रहे हैं तो उसको हम बोल रहे हैं स्पार्कलाइंस. प्रिंटिंग चार्ट. हमने चार्ट बना लिया, हमें चाहिए उसकी हार्ड कॉपी. तो कैसे हमारे पास एक परफेक्ट हार्ड कॉपी ऑफ चार्ट आए ये हमें देखना है प्रिंटिंग चार्ट्स में. तो चार्ट के सारे टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं सेशन 6 में. आइए चलते हैं, देखते हैं कि सेशन 6 में क्या क्या है.
starting session 6. So, in this session, we need to know what all this charting is. हम चार्ट किस तरीके से बनाएंगे, किस तरीके से उस चार्ट पे काम करने वाले हैं, क्या क्या उसमें फॉर्मेटिंग करने वाले हैं, क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन करने वाले हैं. तो हम देखते हैं हमारे डेटा को. ये हमारा डेटा, यहाँ पे हमने एक सेल्स पर्सन वैल्यू लिया है, सेल्स पर्सन के नेम ले रखे हैं और उन्होंने 4 वीक में क्या क्या उनकी सेल रही है उसके बारे में हमने बात करना है. तो हमारे पास ये जो डेटा है, सबसे पहले हम इसको करेंगे सिलेक्ट. जैसे हम इसको सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम बनाना चाहते हैं इसका चार्ट. तो हम क्या करेंगे, वॉट वी वॉन्ट टू डू, वी वॉन्ट टू इंसर्ट अ चार्ट. तो इंसर्ट टेबल में जाएंगे, इंसर्ट टैब पे जाएंगे. इंसर्ट टैब पे गए, यहाँ पे हमें एक ग्रुप मिल गया चार्ट्स का. इसके अंदर रेकमेंडेड चार्ट पे हमने क्लिक किया. अब ये हमें बहुत सारे रेकमेंडेशन दे रहा है. पहला रेकमेंडेशन है ये, जिसमें कि हमारे बार चार्ट है. यहाँ पे आप देख रहे हैं बार्स बने हुए हैं, तो ये हमारे बार चार्ट्स हैं. इसके बाद दूसरा रेकमेंडेशन ये, यहाँ पे इसने डेटा दे रखा है. तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, और भी इसने बहुत सारे रेकमेंडेशंस हमें दे रखे हैं. हम इनमें से जो भी हमें सही लग रहा है हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं. और अगर नहीं लग रहा कोई सही, तो हम बोल देंगे नहीं, हमें इसमें से कोई नहीं चाहिए. हम इसको कैंसिल कर देंगे और बोलेंगे कि ये आपका ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप में से हम चार्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं. पर मुझे लग रहा है कि रेकमेंडेशन में काफ़ी अच्छे चार्ट दे रखे हैं और पहला ही रेकमेंडेशन काफ़ी अच्छा है, हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं. अभी ये जो हमारा चार्ट है वो हमारा सेम टेबल पे आ गया, पर हम चाहते हैं कि ये आए नई टेबल पे. तो हम इसको बोलेंगे F11. जैसे ही हम इस पे F11 पे क्लिक करेंगे, ये जो चार्ट है ये हमारा नई टैब पे आएगा. आपने देखा चार्टिंग में हमारा डेटा था, हमने जैसे ही F11 किया ये चार्ट 1 बन के आ गया और हमारा जो चार्ट है वो यहाँ पर दिखाई देने लग गया. F11 इज द शॉर्टकट फॉर दिस. तो हम वापस जाते हैं चार्टिंग पे. हम इस पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि आपका जो चार्ट है ये सिलेक्ट है. कैसे दिखाई दे रहा है, ये सारे इसके जो कॉर्नर्स हैं वो आपको हाईलाइट होते हुए दिखाई दे रहे हैं. तो इसका मतलब है कि आपका जो चार्ट है वो अभी सिलेक्ट हो रखा है. ठीक है, अब इस पे हम करना चाहते हैं कुछ फॉर्मेटिंग, कुछ एडिटिंग. तो क्या करेंगे देख लेते हैं. हम इसमें सबसे पहले राइट क्लिक कर लेते हैं. राइट क्लिक करने में चेंज टाइप चेंज कर सकते हैं. फिल के लिए आपने जो वैल्यू ले रखी है बैकग्राउंड में, देखिए है ना, इस पर होवर कर रहे हैं तो किस तरीके से चेंज हो रही है, इस तरीके से आप कर सकते हैं. तो इसमें से हमारे पास जो भी ऑप्शंस हैं, हमारे राइट क्लिक करने पे जो भी ऑप्शंस आ रहे हैं, इनमें से आप जो भी ऑप्शन लेना चाहें, चार्ट को मूव करना चाहें, सेलेक्ट करना चाहें, डेटा टेम्पलेट के फॉर्म में इसको सेव करना चाहिए, अभी हम इसको सेव करेंगे तब देखेंगे कैसे करेंगे, कोई भी ऑप्शन इसमें से ले सकते हैं. तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं चार्ट एलिमेंट्स के. चार्ट एलिमेंट कुछ ऐड करना है या रिमूव करना है. तो आप देख रहे हो आपने जैसे इसको सेलेक्ट कर रखा था, यहाँ पे राइट हैंड साइड पे एक प्लस का दिख रहा है आपको सिंबल, इस पे आप क्लिक करेंगे. जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे ये आपसे पूछेगा आपको क्या क्या ऐड करना है, क्या क्या रिमूव करना है बता दो. तो हमें एक्सेस ऐड करनी है. अगर हमें एक्सेस ऐड करनी है हम ऐड रहने दे सकते हैं, अगर हम इसको हटा देंगे तो आपने देखा साइड से एक्सेस हट गए हमारे दोनों. हम इसमें एक्सेस टाइटल ऐड करना चाहें, हम यहाँ पे टाइटल ऐड कर सकते हैं, बता सकते हैं कि यहाँ पे किस तरीके का डेटा है. नहीं ऐड करना चाहें तो इसको रिमूव कर सकते हैं. चार्ट टाइटल, ये आपका चार्ट टाइटल है, आप इसको ऐड करना चाहें इसको ऐड कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो इसको डीसेलेक्ट कर देंगे तो ये हट जाएगा. अब आप चाहें तो इसको कुछ नेम दे दे सकते हैं. हम इसको नेम दे देते हैं सेल्स डिटेल्स. ठीक है, यहाँ से हमने बता दिया कि हमारी जो सेल्स की डिटेल थी वो क्या है, इससे हमें चार्ट का नाम पता चल गया. अब डेटा को लेबल्स देने हैं आपको. आपके सारे जो दिख रहे हैं ना डेटा, इसके ऊपर आपको दिख रहा है लेबल आ रहा है. कैसे आ रहा है, जैसे कि हम बात करें स्मिथ की, स्मिथ आर स्मिथ का अगर हम बात करें वीक 1, तो वीक 1 में, वीक 1 को हम रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं. अब देखिए यहाँ पे आर स्मिथ
वीक वन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ब्लू से। तो ब्लू के ऊपर यहाँ पे वीक वन में जो डेटा है $4,520, हम जैसे ही इस पर होवर करेंगे वो डेटा हमारा डिस्प्ले हो जाएगा। आप इस तरीके से डेटा को डिस्प्ले कर सकते हो या रिमूव कर सकते हो। हम डेटा टेबल जो है वो चाहें तो इसके साथ में ही अटैच कर सकते हैं। आपकी जो डेटा टेबल थी उस डेटा टेबल में जो भी हमारा डेटा था रिक्वायर्ड डेटा वो इसने नीचे ऐड कर दिया। आपने देखा कैसे ऐड किया, जो सेल्स पर्सन के नेम थे वो पहले से ऐड थे, वीक्स को ऐड कर दिया और उनके डेटा को ऐड कर दिया। इसके बाद एरर बार, एरर बार क्या होती है, बेसिकली हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि अगर हमारा जो चार्ट है उसमें कुछ थोड़ी सी एरर अगर आ रही है तो वो एरर कितनी हो सकती है। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। इस पर राइट क्लिक करके स्टैंडर्ड एरर लेनी है, परसेंटेज में लेनी है, स्टैंडर्ड डेविएशन के अकॉर्डिंग लेनी है, इट्स टोटली योर चॉइस। आप इसमें से जो भी मेथड यूज़ करना चाहें, जिस भी तरीके से एरर ऐड करना चाहें आप कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है ग्रिड का। अभी आप देख रहे थे ग्रिड्स दिखाई दे रहे थे, मैंने इसको अनटिक किया था तो ये ग्रिड हमारे दिखने बंद हो गए थे। इसी तरीके से लेजेंड, लेजेंड आपका क्या होता है, लेजेंड होता है आपका ये, आपने जो बार्स यूज़ किए ना उन बार में किस बार में कौन सी वैल्यू है। ब्लू कलर में वीक वन की वैल्यू है, ऑरेंज कलर में वीक टू की वैल्यू है, ग्रे कलर में वीक थ्री की वैल्यू है और येलो कलर में वीक फोर की वैल्यू है। तो ये होता है हमारा लेजेंड। और लास्ट ऑप्शन है ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन हमें वीक वन के बेसिस पे ऐड करनी है, वीक टू के बेसिस पे ऐड करनी है, वीक थ्री के बेसिस पे ऐड करनी है। ये हमें बता रहा है कि हमारा किस तरीके का एक ट्रेंड बन रहा है। तो यहाँ पे हमारे वीक वन में सबसे ज़्यादा वैल्यू थी और यहाँ पे वीक फोर में वैल्यू काफ़ी कम हो गई। तो हमारा जो ट्रेंड है वो किस तरीके का है, किस तरीके से हमारी सेल्स जो है वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रही है, इसको थोड़ा सा इस ट्रेंड लाइन के थ्रू हम बता सकते हैं। ये थे हमारे चार्ट के एलिमेंट्स। इसके बाद यहाँ पे है हमारी चार्ट की स्टाइल्स। हम ये वाली स्टाइल तो हमारी है ही, अब इसमें हम दूसरी स्टाइल ये भी यूज़ कर सकते हैं, हम तीसरी स्टाइल ये भी यूज़ कर सकते हैं, चौथी स्टाइल ये भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी स्टाइल जो हम इसमें से यूज़ करना चाहें यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कलर्स है, अभी जो हमने कलर कॉम्बिनेशन ले रखा है आप देख रहे हो ब्लू ऑरेंज ग्रे येलो ये वाला ले रखा है, हम चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं, हम इसमें से जो भी कलर सेलेक्ट करना है हम सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम मोनो कलर्स भी ले सकते हैं। मोनो कलर का, मोनोक्रोमेटिक का मतलब ये होता है कि एक ही कलर और उसके डिफरेंट शेड्स, तो हम उस तरीके से इसके डिफरेंट शेड्स भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसमें कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। इसके अलावा ये लास्ट ऑप्शन है आपका फ़िल्टर। अब ये क्या फ़िल्टर कर रहा है, हमारी जो सीरीज़ है, सीरीज़ में हमने वीक्स ले रखे हैं, हमें ऑल फोर वीक्स चाहिए या नहीं चाहिए, हम बोल रहे हैं कि वीक वन नहीं चाहिए, ठीक है, या फिर हम बोल रहे हैं वीक टू नहीं चाहिए। अप्लाई किया, वीक वन और वीक टू यहाँ से गायब हो गए, पर हमें तो चाहिए थे, तो वापस से हम इसको टिक करके अप्लाई कर देते हैं, वापस से आ जाएंगे। या फिर हमें जो डेटा चाहिए, हमें एच जेम्स का डेटा नहीं चाहिए, तो हम एच जेम्स के ऊपर क्लिक कर करेंगे तो ये अनटिक हो जाएगा। अब हम जैसे ही अप्लाई करेंगे तो एच जेम्स का डेटा यहाँ से गायब। इस तरीके से हम यहाँ पे फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जो भी हमें ऑप्शंस चाहिए उन ऑप्शंस को हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम हमारे पूरे के पूरे चार्ट को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अब कस्टमाइज़ कर लिया, हमने सोच लिया कि हमें इस तरीके का चार्ट चाहिए, अब इस चार्ट को हम कहीं पे जाकर सेव कर सकते हैं एज अ टेम्पलेट। हमने बहुत मेहनत करके हमारा फेक फॉर्मेट बना लिया कि हमें इस फॉर्मेट के चार्ट्स चाहिए, तो अब इसको हम सेव करना चाहते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑप्शन, राइट क्लिक करने पे सेव एज टेम्पलेट, हम सेव एज टेम्पलेट पे जाएंगे तो आप ये देख रहे हो उसकी लोकेशन कहाँ पे सेव हो रहा है, माइक्रोसॉफ्ट, ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट में आपके टेम्पलेट्स हैं, टेम्पलेट्स में गया, टेम्पलेट्स के अंदर चार्ट्स का जो ऑप्शन है वहाँ पर जाके ये आपके चार्ट्स को सेव करेगा। अब आपको इसको जिस नाम से सेव करना है, हम इसको बोल देते हैं सेल्स के नाम से, सेल्स के नाम से हम इस चार्ट को सेव करना चाहते हैं। अब इसने एक टेम्पलेट हमारा सेव कर दिया, तो अभी हमने जो टेम्पलेट हमारा सेव किया था, हम देखते हैं कि वो टेम्पलेट हमें मिले। एक काम करते हैं, हम दूसरा डेटा लेते हैं, ये हमारा डेटा,
सिलेक्ट कर लिया है। इसको सिलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे रिकमेंडेड चार्ट्स में। रिकमेंडेड चार्ट्स में ये जो रिकमेंडेशंस हैं ये तो हमें दिख ही रही है। इसके अलावा हम जाएंगे ऑल चार्ट्स में और हम जाएंगे टेम्पलेट्स में। ये वही देख रहे हैं आप, ये वही टेम्पलेट है जो अभी हमने सेव किया। उसका नाम क्या था? सेल्स। ऊपर इसका नाम भी लिखा हुआ है, सेल्स। अब इसको हम यूज़ करेंगे और हम इसको बोलेंगे ठीक है हमें यही वाला टेम्पलेट चाहिए, तो ये इस टेम्पलेट को दे देगा और इस टेम्पलेट को हम यूज़ कर सकते हमारे इस करंट डेटा के ऊपर। ठीक है, अब एक बहुत बढ़िया इसमें चीज़ है कि हम इसमें अभी तो हमारे पास ये डेटा है, ठीक है, अब हम चाहते हैं कुछ डेटा को चेंज करना, मतलब कि जैसे ये रैप करके जो डेटा है इसकी जगह हम यहाँ पे एक और डेटा ऐड करना चाहते हैं टैग करके। ठीक है, टैग डेटा, और हम इसी में से कोई वैल्यू ले लेते हैं, इस सीरीज़ में से हम वैल्यू ले लेते हैं जो कि वो इसको ऐड कर देगा। ठीक है, इस तरीके से हम कोई भी रैंडम वैल्यू ले लेते हैं और उसको ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर हमने इसको ऐड कर दिया। ये जो हमारा चार्ट है, ये हमारा चार्ट ऊपर की जो डेटास था ना उसके ऊपर था। अब हम चाहते हैं कि हमारा जो डेटा है, हमारा चार्ट है, उसमें ये वाला डेटा भी ऐड हो जाए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे डिज़ाइन पे। डिज़ाइन के अंदर हम देखेंगे सिलेक्ट डेटा, सिलेक्ट डेटा पे क्लिक करेंगे। ये अभी क्या कर रहा है, केवल 9 तक वैल्यू ले रहा है। अब हम इसको बोलेंगे 9 तक नहीं लेनी है आपको वैल्यू लेनी है 10 तक। जैसे हम इसको बोलेंगे 10th वैल्यू भी ले लो, ओके क्लिक करेंगे, तो आपने देखा टैग जो है उसका भी सारा के सारा डेटा हमारे पास आ गया। ठीक है, या फिर हमें कोई डेटा इसमें से बोलना है कि नहीं लेना है, टैग का डेटा हमें नहीं लेना है, तो हम जाएंगे सिलेक्ट डेटा के ऊपर, यहाँ पे बोल देंगे टैग डेटा आपको नहीं लेना है, आपको 9 तक ही डेटा लेना है, ओके करेंगे, टैग का डेटा हट जाएगा। तो अगर हमें कोई, हम कुछ अपडेशन कर रहे हैं हमारे डेटा के अंदर, हमारे चार्ट के अंदर, तो इस तरीके से हम डेटा को ऐड कर सकते हैं। अब हम मूव करते हैं बड़े इंटरेस्टिंग से टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है स्पार्क लाइन। कैसे बनाएंगे हम ये चार्ट? हम जाएंगे ऑप्शन, हम इसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक, सिलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने के बाद हमारे पास ऑप्शन है स्पार्क लाइन का। स्पार्क लाइन का ऑप्शन है हमारे पास ये हमारा पूरा ग्रुप जिसके अंदर है हमारे स्पार्क लाइन। अब इसमें से हमें क्या चाहिए, सपोज लाइन स्पार्क लाइन चाहिए, तो ये हमारा हो गया स्पार्क लाइन B2 से लेके G2 तक। और लोकेशन क्या है, लोकेशन है ये, हमने ये लोकेशन दे दी, इस पर क्लिक कर लोकेशन आ गई, हमने बोल दिया ओके। ठीक है, ये देखा आपने क्या हुआ, ये जो हमारा डेटा था उसमें किस तरीके से अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं वो शो कर रहा है एक सेल के अंदर। स्टाइल्स हैं, कोई भी स्टाइल आप लेना चाहो ले सकते हो, आप इसमें से जो भी स्टाइल लेना चाहें उसको ले लीजिए। ठीक है, इसी तरीके से हम दूसरे डेटा पे इम्प्लीमेंट करते हैं। हम इस पे गए, कहाँ पे था, इंसर्ट के अंदर, इंसर्ट के अंदर स्पार्क लाइन, हम ऐड करना चाहते हैं कॉलम, लोकेशन क्या है ये, हमने इसको कर दिया। ठीक, अब इसको हम एक काम करते हैं, थोड़ा कस्टमाइज़ करने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि जो इसके हाई पॉइंट्स हैं वो दिखाई दे। हाई पॉइंट कौन सा है, ये वाला जो लास्ट वाला बार था, कहते हैं कि हाई पॉइंट नहीं लो पॉइंट दिखाई दे। लो पॉइंट कौन सा था, सबसे छोटा पॉइंट कौन सा था, ये वाला, तो उसने उसको दिखा दिया। ठीक, हम चाहते हैं कि ये फर्स्ट पॉइंट को हाईलाइट कर दे, फर्स्ट पॉइंट को हाईलाइट कर देगा, हम बोले लास्ट पॉइंट को हाईलाइट कर दे, लास्ट पॉइंट को हाईलाइट कर देगा। अगर हम इसको बोलेंगे नेगेटिव पॉइंट को हाईलाइट करें, तो अभी तो हमारे पास कोई नेगेटिव वैल्यू, इस वैल्यू को नेगेटिव में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर हम देखते हैं इसमें हम एक वैल्यू को नेगेटिव कर देते हैं, सपोज हमारी ये वैल्यू है, इसको हम बोल देते हैं कि ये वैल्यू है हमारी नेगेटिव। ठीक है, अब हमने जैसे ही इसको नेगेटिव करा एंटर किया, अब हम इसके ऊपर हमारा स्पार्क चार्ट बनाते हैं। इंसर्ट, स्पार्क लाइन, स्पार्क लाइन के अंदर कॉलम, यहाँ पे सिलेक्ट किया ओके। अब
हम चाहते हैं कि नेगेटिव पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट कौन सा था, एक ही था, उसने इस नेगेटिव पॉइंट को हाईलाइट कर दिया। ठीक है, समझ गए आप? तो इसको यूज़ करिए। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लाइन है, कॉलम है, विन और लॉस है। विन और लॉस को भी आप यूज़ कर सकते हैं। विन और लॉस, जो पॉजिटिव है उनको विन, जो नेगेटिव है उसको लॉस। इस तरह से विन और लूज वाले आप इसमें ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं। स्पार्क लाइन के कलर्स हैं बहुत सारे, आप इनको अपडेट कर, कोई भी कलर जो आप लेना चाहें उसको यूज़ कर सकते हैं। मार्कर के कलर्स हैं, आप उसमें जो भी मार्कर यूज़ करना चाहें, नेगेटिव का क्या कलर होना चाहिए, हाई पॉइंट का क्या कलर होना चाहिए, लो पॉइंट का क्या कलर होना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट का क्या कलर होना चाहिए, लास्ट पॉइंट का क्या कलर होना चाहिए, आप इसमें से कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं। एक्सेस आपको लेनी है, जो भी एक्सेस लेनी है आप उस तरीके से एक्सेस को डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप इसमें से जो भी डिज़ाइन लेना चाहें उस डिज़ाइन को लीजिए। इसके ऊपर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करिए, आपको ये वाला पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हमने सारी चीज़ें देख ली चार्ट की, अब हमारे चार्ट्स जो बन गए हम उनको करते हैं प्रिंट। तो हमने हमारा चार्ट बनाया था चार्टिंग वन के अंदर, इसके ऊपर हमने क्लिक किया, और प्रिंट करने के लिए हमारे पास शॉर्टकट की है कंट्रोल पी। हमने कंट्रोल पी पर क्लिक कर दिया। हमें क्या प्रिंट करना है, ऑप्शन है हमारे पास प्रिंट, प्रिंट सिलेक्टेड चार्ट। हमने जिस चार्ट को सिलेक्ट किया था उसी को प्रिंट करना है, ठीक है, या फिर हमें एंटायर वर्कबुक को या सिलेक्शन को प्रिंट करना है। क्योंकि हमने चार्ट को ही सिलेक्ट किया है तो हमारे पास प्रिंट सिलेक्टेड चार्ट वाला जो ऑप्शन है वो हाईलाइट है। इसमें हम क्लिक कर देंगे, हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। वही सेम ऑप्शंस हैं, लैंडस्केप लेना है, पोर्ट्रेट लेना है, लेटर फॉर्मेट में लेना है, A4 पे लेना है, A3 पे लेना है, मार्जिन कितना लेना है, नॉर्मल लेना है, नैरो लेना है, वाइड लेना है, टोटली योर चॉइस। इसके ऊपर आप प्रिंट का, जैसे आप ये प्रिंट बटन प्रेस करेंगे आपको इसका प्रिंट आउट मिल जाएगा। सो दैट्स ऑल अबाउट सेशन सिक्स। हमने देखा सेशन सिक्स में हमने एक डेटा लिया, उस डेटा के ऊपर हमने चार्ट बनाया, हमारे पास कुछ रिकमेंडेशंस थी, उस रिकमेंडेशन को हमें यूज़ करना था, हमने उस रिकमेंडेशन को यूज़ किया, उसके अलावा भी हमें जो चीज़ें यूज़ करनी थी उसको हमने यूज़ की। इसके बाद हमने उसमें एलिमेंट्स देखे, हमने देखा कि किस तरीके से हम उसमें एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। फिर हमने देखा कि हम किस तरीके से एक टेम्पलेट बना सकते हैं। हमारा जो डेटा था उसके लिए हमने एक टेम्पलेट बनाया, हमने एक चार्ट का टेम्पलेट बना के उसको स्टोर कर दिया, सेव कर दिया, और फिर हमने देखा कि हम उसे किस तरीके से फैच कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कि हम किस तरीके से डेटा को ऐड और रिमूव कर सकते हैं। हमने एक रो, आपको याद होगा, हमने एक रो को यूज़ किया, उसको डिलीट किया और उसको ऐड किया। उसके बाद हमारा चार्ट किस तरीके का दिख रहा है, हमारे पास कम वैल्यू थी, ऐड करते एक वैल्यू बढ़ गई, किस तरीके से हमने उसको चार्ट में रिफ्लेक्ट किया। इसके बाद हमने देखा कि स्पार्क लाइंस क्या है। ये नया टॉपिक था, आपको आई होप पूरा समझ आ गया होगा कि स्पार्क लाइन क्या है, हमने क्यों यूज़ की और उसको यूज़ करने से हमें क्या बेनिफिट हुआ। इसके बाद हमने देखा कि जो हमने चार्ट बना लिया था उसको हम किस तरीके से प्रिंट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट सेशन सिक्स। आई होप आपको सारे टॉपिक समझ आ गए। जाइए वापस से देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, सारे टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू।